तो अब फिर ये देखें कि वेलोसिटी जो हमारा वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। यही डिस्प्लेसमेंट आगे जाके एंगुलर वेलोसिटी देगा, किसको देगा, क्रैंक को वेलोसिटी देगा। तो क्योंकि अब नेक्स्ट है, क्योंकि वो फ्लाई व्हील की तरफ हमको मूव करना है, तो कुछ कुछ टॉपिक को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे नाउ। अब जब वेलोसिटी निकल गई है, जब डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तो हमको अब निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। ओके, तो क्योंकि अब पिस्टन मतलब स्लाइडर, ओके, पिस्टन मतलब स्लाइडर। अब स्लाइडर का वेलोसिटी क्या होगा? तो सिंपल ही हो गया कि वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एक्स का चेंज होगा टाइम के साथ, लेकिन असल में इक्वेशन देखोगे यहाँ पे एक्स बोलता है कि एक्स जो है वो कहीं ना कहीं तुमको थीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आर तो फिक्स्ड है, यहाँ आर कनेक्ट रेडियस वो फिक्स है और कनेक्टिंग रड भी मेरा फिक्स है। सी वेरिएबल क्या होगा कि हम अगर एल और आर को हम एक पैरामीटर पे देंगे, तो इसमें हमारा एल कितना बढ़ा देंगे जिसके हिसाब से कुछ मोशन मिलेगा, तो ये एल आर का एक कॉम्बिनेशन रखने पर हमको एक्स मिलेगा और एक्स के हिसाब से हमको उसका थीटा मिल, तो कहीं ना कहीं एक्स चेंज होगा थीटा के साथ और थीटा चेंज होगा एक्स के साथ, अगर एल आर एक फिक्स कॉम्बिनेशन के साथ हम कोई कोई एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं। एक कंडीशन होना चाहिए कि हमेशा एल का वैल्यू हम हमेशा आर से बड़ा रखेंगे, तो इस तरह का मोशन तैयार मिलेगा। तो इसमें हमारा एक चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब सॉरी वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ। तो क्योंकि एक्स डिपेंड हमारा करता है थीटा पर, तो इसलिए पहले चेंज करेंगे एक्स को थीटा के साथ। ओके, चेंज करेंगे थीटा के साथ और फिर थीटा को चेंज करेंगे हम लोग टाइम के साथ। तो कहने का ये क्वेश्चन मेरा, ये वेलोसिटी ये चेंज निकल जाएगा मेरा। तो एक्स को चेंज किए थीटा के साथ और थीटा को चेंज किए टाइम के साथ। तो इस तरह का जो डेफिनेशन करोगे, क्योंकि हम यहाँ इतना करेंगे नहीं हम, तो फाइनल मेरा इक्वेशन निकल जाएगा वी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट बन हो गया साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाई टू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे एक तरह डेरिवेशन निकल गया, जो तुम लोग को अपना रूम में बैठे बैठे इसको ड्राइव करोगे, डेरिवेशन करोगे, तुमको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएगा। अब उस फाइल उसी से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, अगर हम निकालेंगे कि वॉट इज एक्सलेशन ऑफ पिस्टन या स्लाइडर। ओके, अब स्लाइडर का कितना इसमें एक्सेलेट करेगा, तो वो चेंज ऑफ द वेलोसिटी, अगेन हो गया मेरा ए मतलब चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर यहाँ पे देखो कि वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन थीटा। ओके, यहाँ पे आर मेरा कांस्टेंट हो गया है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटीज। तो ये होगा मेरा चेंज ऑफ वेलोसिटी थीटा के साथ और फिर थीटा चेंज होगा टाइम के साथ। तो फिर जब इसको डेरिवेशन करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो तुमको फाइनल इक्वेशन मिलेगा। उसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, वो घर में जाके तुम लोग को खुद से करना है, उसके बाद डिस्कशन फोरम में हमसे क्वेश्चन पूछ लेना है। ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन। ओके, तो ये तुम लोग को दो टारगेट दिया गया है, घर में जाके इसको प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा वो हमको डिस्कशन फोरम से पूछोगे। तो ये तुम दोनों को डिफ्रेंशिएट करके चेक करना है। तो ये एक्स कहाँ से निकल रहा है, एक्स तुमको ऑलरेडी तुमको यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, उसकी मदद से निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे एन का फैक्टर का इस्तेमाल करोगे, ज़्यादातर ट्राई करोगे कि इसको हम इस इक्वेशन से डिफ्रेंशिएट करोगे, ये जो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन था मेरा, इससे डिफ्रेंशिएट करोगे, तब तुम्हारा इक्वेशन जाके फर्दर, और फिर बाद में तुम उसको एल इज ग्रेटर देन आर करोगे, उसके बाद तुम फिर इस पर भी डिफ्रेंशिएट करके चेक करोगे कि तुम्हारा क्या आएगा। तो जितना करोगे उसको तुमको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा, इसलिए तुमको चीज़ें दोनों को छोड़ देना, ताकि इसको जाकर तुमको अपने घर पर जाके ट्राई करना है। तो ये हो गया मेरा एक तरह का एक्सलेशन जो इसमें पिस्टन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स तभी लगेगा जब उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मास जो होगा और प्लस उसका जो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सलेशन होगा वो हमारा फोर्स कहलाएगा। तो अगर ये हमारा एक पिस्टन है मतलब स्लाइडर क्रैंक स्लाइडर हुआ जो एक फिक्स सिलेंडर के हिसाब से रोटेट कर एक टर्निंग पेयर हम दे दें जिस जो कनेक्टिंग रड के साथ इसमें ऐड होगा, अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, इट इज़ अ फोर्स, तो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट द इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए का मतलब हो गया मास ऑफ स्लाइडर, मास ऑफ
ये पिस्टन या स्लाइडर, ए मतलब इसमें एक्सेलरेट कर रहा है मेरा चीज़ें। तो ये मेरा हो गया इनर्शिया फोर्स, तो दिस कॉल द इनर्शिया फोर्स। मास मास एम इंटू ए, ए ये हो गया तो आर ओमेगा स्क्वायर, ओके दिस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा बाई एन, ये इक्वेशन ओके। तो कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाई एन, ओके यहाँ पे मेरा हो गया आर ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू दिस इनर्शिया फोर्स। और यही फोर्स कहीं ना कहीं आगे जाकर कहाँ तक ट्रांसफ़र करेगा, तो इसको मैं अगर यहाँ पे जोड़ दिए कनेक्टिंग रड, तो ये फोर्स ट्रांसफ़र होगा कनेक्टिंग रड में, एफ सी मतलब फोर्स ऑन कनेक्टिंग सी मतलब कनेक्टिंग रड। तो ये हो गया इनर्शिया फोर्स ऑन स्लाइडर। अब ये फोर्स ट्रांसफ़र होगा कनेक्टिंग रड, और फिर ये फर्दर फोर्स कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा क्रैंक शाफ्ट में, मतलब क्रैंक में, फिर क्रैंक के थ्रू क्रैंक शाफ्ट में जा ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद ये फोर्स आगे जाके एनर्जी का फॉर्मेशन देगा। अब ये एनर्जी का एनर्जी के फॉर्म में कैसे देगा वो भी थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हम जानते हैं, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे और डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए हमको पहले फोर्स डिस्प्लेसमेंट निकालें और डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम लोग फोर्स निकालें। ये कहीं ना कहीं हमारा वर्क एक एनर्जी का फॉर्म लेगा, वो एनर्जी स्टोर कर सकते हैं एक दूसरे एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में, क्योंकि हमारा फिर से एक एनर्जी इक्वेशन बोलता है कि एनर्जी ना बर्बाद होता है ना क्रिएट होता है, सीधे बदल सकता है एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में। तो इस एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ताकि उसको फर्दर हम कहीं दूसरे एनर्जी में स्टोर या ट्रांसफ़र कर जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इंजन में भी हमारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ते रहता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, क्यों पड़ता है इसे अभी तो इक्वेशन इसी इक्वेशन में आगे जाते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर एफ सी से ट्रांसफ़र होगा, और एफ सी एनर्जी फिर फर्दर क्रैंकशाफ्ट में होगा। तो इसका एक फाइनल डायग्राम बना देते हैं कि कैसा डायग्राम को, अब जो हम इक्वेशन जो आएंगे वो एक डायग्राम की मदद से आएगा। तो दिस इज अ स्लाइडर, ओके स्लाइडर पेयर, टर्निंग पेयर, फर्स्ट टर्निंग पेयर विथ कनेक्टिंग रड, कनेक्टिंग रड इज वेरी वेरी लार्ज रिस्पेक्ट टू क्रैंक रेडियस, ओके दिस क्रैंक रेडियस, फिक्स लिंक इट इज अनदर टर्निंग पेयर, तो वन टर्निंग पेयर, टू टर्निंग पेयर एंड थ्री टर्निंग पेयर, थ्री टर्निंग पेयर एंड वन स्लाइडर पेयर, ओके एंड देयर फोर टर्निंग पेयर, देयर फोर लिंक, वन लिंक स्लाइडर, टू थ्री एंड फोर, डिग्री फ्रीडम इज वन। तो नाउ इट इज अ इनर्शिया फोर्स एफ, ओके द इनर्शिया फोर्स एक्सर्ट ऑन द स्लाइडर एंड देन द फोर्स ट्रांसफर एफ सी थ्रू कनेक्टिंग रॉड, और ये हो गया मेरा कनेक्टिंग क्रैंक शाफ्ट एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया मेरा थीटा, ओके ये हो गया मेरा बीटा, ओके और अब ये जब फोर्स ट्रांसफ़र करेगा तो ये थोड़ा सा इसको और तो ये फोर्स यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है, ओके और ये असल ये जो फोर्स हो रहा है ये फोर्स यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ पे जो जॉइंट है सीधे ये हो गया मेरा एफ सी, और फोर्स और क्योंकि हम जान चुके ये चीज़ अगर एक शाफ्ट हो गया है और ये मेरा रेडियस हो गया ज़ीरो और ये आर हो गया, तो फोर्स दिस फोर्स मान लें कोई भी फोर्स मान लें एफ और ये आर हो गया, तो कितना लगेगा टॉर्क F into R, तो फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस या डिस्टेंस ये विच इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर, तो ये F इसके परपेंडिकुलर, तभी तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगा के इसको घुमाएगा। तो क्योंकि इसमें अगर एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है इसका मतलब है इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई टॉर्क लगा होगा, तो टॉर्क कितना लगा होगा तो फोर्स होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए, कौन सा फोर्स, ये एफ सी यहाँ सीधे पास कर गया और जो फोर्स होना चाहिए इस कनेक्टिंग जो रेडियस है इसके के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब एफ
परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो एफ सी इसके साथ चला गया है, लेकिन ये एफ सी इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम इसका दो ले लेंगे कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट दिस कंपोनेंट, और एक हो गया ये कंपोनेंट। ओके दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट। तो ये एफ सी ये हो गया एफ टी, ये इसको मान लेते हैं एफ आर, आर वाला मतलब कि रेडियस की तरफ। ओके ये हो गया टी मतलब टेंजेंट की तरफ, तो टी मतलब टेंजेंट, ये हो गया आर मतलब रेडियस या रेडियली फोर्स, जो कि एफ सी का दो कंपोनेंट हो गया एफ टी कॉम्पोनेंट एंड एफ आर कॉम्पोनेंट। ओके अब आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।